हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ मुंबई इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। दिस लेक्चर इज फॉर क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट योग्य चुनाव, जिसकी लेखिका है सुधा शर्मा जी। लेट अस नाउ बिगिन। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। सेवा मुक्त मतलब रिटायर्ड। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, हार्ड वर्किंग पर्सन, परोपकारी, हेल्पिंग नेचर और ईमानदार, हॉनेस्ट मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राजदरबार में पहुंचे। हर कारे गांव-गांव ढोल पीटने लगे। चयन वाले दिन राजदरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही युवकों की भीड़ लगी थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निधन परिवार का प्रतिभाशाली युवक था। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता ना करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतर गया। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिया, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने नम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर मंत्री जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो एक राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। राजा मंगलसेन ने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। मंत्री जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे।